कराची का इलाका है लियाकताबाद कचरे की आमाज गह बन गया। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे। इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। कचरे से उठता ताफून मुख्तलिफ बीमारी को जन्म देने लगा। कचरे से उठती बदबू और गलाजत की वजह से इलाका मक्की सख्त मुश्किल का शिकार। इलाका मक्कीनों का कहना है इस कचरे को यहाँ पड़े जमाना हो गया। खाने पीने की दुकानों के बाहर पड़े कचरे से लोग बहुत परेशान हैं। इस गंदे कचरे की वजह से बहुत से बच्चे और खवातीन इसमें गिर भी चुके हैं। मुतल्लिक इदारों में बहुत दरख्वास्तें दी पर कोई सुनवाई नहीं होती। कई अरसे से पड़े कचरे की वजह से बच्चे बीमारियों का शिकार हैं। लोगों का मजीद कहना था कि हम इस तब्दीली से सख्त नाखुश हैं। कचरे की गलाजत से इलाकों में मजीद बीमारियाँ फैल सकती हैं। तारुद्दीन पकवान और लियाकताबाद डाकखाना, यहाँ अरसा दराज से कचरे का कोई पहुँचने वाला नहीं है। सारे कारोबार इस कचरे की वजह से बंद हो चुके हैं। यहाँ कस्टमर आता नहीं। हमारा कैटरिंग का खाने का कारोबार है और हम यहाँ इतने परेशान हैं बदबू की वजह से। कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आता। रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, कोई आ नहीं सकता। कोई डीएमसी से, कोई इंतजामी की तरफ से नहीं आता कचरे कुंडी के वाले। कभी कभी कचरा उठाने आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट वाले नहीं आते। कचरा उठाने आती हैं गाड़ियाँ, लेकिन पूरा प्रॉपर इसे खाली नहीं करते। अभी भी आप देख सकते हैं कचरे की क्या पोजिशन है। आपने कई एप्लीकेशन दी इसके लिए? बहुत एप्लीकेशन दी है, कोई नहीं सुनता। सर बलदियाती निज़ाम हमारा बिल्कुल सही नहीं है। और हमारे जो यहाँ पे एमपीए है या हमारे जो कारकुनान या गली के सदर बने हुए हैं या हमारे जो जो नायब नादिन वगैरह ही बने, किसी काम के नहीं। आपके सामने देखो कचरा कुंडी है और फिर ये रक्षा स्टैंड बने हुए हैं और ये अपना जो भी है ठेले वेले वाले उन्होंने रोड रोके हुए हैं। लेडीज वेडीज़ का आना जाना जो है सही नहीं है। और आप बताएं अब मैं क्या करता हूँ। उनके को है कि हमारे इलाके के जिम्मेदार भी हैं, ये सामने खड़े हजरत बात करें। ये हमारी दुकान है, कबाब की सब खाने पीने की जगह है, रिहाइश है। हम सारे टैक्स हुकूमत के अदा कर रहे हैं, दरख्वास्तें दी, सब कुछ किया। ये लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने यहाँ काम दिखा दिया। पता क्या है, SDM साहब भी आते हैं, सब आते हैं, कोई अक्षर नहीं। तो आपने जो एप्लीकेशन दी है अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या करें? आप यहाँ पे कारोबार करते हैं? कारोबार 60 साल हो गए हमें बैठे हैं। 60 साल हो गए आपको? जी 60 साल हो गए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब दे रहे हैं। बराबर में रिहायशें हैं, बहुत परेशानी हो गई है। बताएं क्या करें। आप लोग थाने में एप्लीकेशन दिए? थाने में, थाने वाले तो कहते हैं कि हमारा काम नहीं, कैंसिल का काम, किसी का काम। MLA MPO को एप्लीकेशन दिया आपने? MLA MPO भी कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं जा सका। तो आप अपना पैगाम क्या देना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटाया जाए। खाने पीने की एशिया की मेन रोड पर है, समझे ना, दुकानें हैं खाने पीने की सब। बेपनाह मच्छर है यहाँ, गंदगी फैल रही है। अभी तो डेंगू मुहिम चल रही है, बताने में कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे? कोई हुई नहीं, उसी तरह ये काम हुआ है। वो तो बोले डेंगू की वजह से हम अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, कचरा कुंडी खत्म कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ आपके? सब कुछ भी नहीं हुआ, कब हुआ है? खुदाया इसको कहीं आगे ले जाओ या कोई ऐसा है, आगे ले जाओ उसको। कचरे का ही है ना, ये रिहायशी घर है यहाँ पे सारे, स्मेल बहुत है यहाँ पे, उसकी वजह से जो है ये कचरा खाना है। लॉकडाउन के दौरान ये बना है यहाँ पे, जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान बना है, पहले यहाँ नहीं था कचरा खाना। आवाम को एहतियात नहीं करती सिलसिले में आप लोग? आवाम क्या एहतियात करेगी, बाहर आएंगे तो करेंगे ना। बाहर जो आते हैं बदबू बदबू, गंदगी, स्मेल बहुत है घरों में। मच्छरों का क्या हाल है आज? डेंगू फैला हुआ है बहुत है, अल्लाह ने बचाया हुआ है, अब तक बचाया हुआ है डेंगू से। ये तो है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया।